हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया पाइथन में कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पाइथन के ट्रेडिशनल आईडी आप ओपन कर लीजिएगा। ये एक प्रोग्राम लिखा है, इसको हटा देता हूं। अब देखिए यहां पे प्रोग्राम बनाना कैसे है। सबसे पहले तो लेंथ के लिए एल लिखता हूं, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं फ्लोट इनपुट, क्योंकि जो यहां पे लेंथ है वो फ्लोट में भी हो सकता है। और यहां पे इनपुट फंक्शन लिखूंगा, इनपुट से क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ये ले लेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं एंटर द लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये लिख दिया और यहां पे इसको बंद किया इस तरीके से। और फिर यहां पे अब लेंथ के बाद क्या आएगा, विथ आएगी, तो W ले लेता हूं। W इज इक्वल टू फ्लोट, ब्रैकेट ओपन किया, इनपुट, ठीक है, एंटर द विथ, डब्ल्यू आई डी टी एच, विथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमने कर दिया और इसके बाद इसको बंद किया इस तरीके से, और बंद करने के बाद एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे एक रिजल्ट नाम से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, RESULT, रिजल्ट इज इक्वल टू L into W करते हैं। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एरिया इज सिंपली लिखा और यहाँ पे कॉमा देकर के रिजल्ट के अंदर इसे स्टोर करा दिया। बस इतना ही करना है और इससे हमारा रेक्टेंगल कैलकुलेट होगा। आइए देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या पता हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सेव कर दिया है area.py से और यहाँ पे जाकर के इसको रन करवा देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे 6 एंटर करते हैं और यहाँ पे विथ एंटर करते हैं 7। तो 6 और 7 का जो एरिया है वो कैलकुलेट होकर हमारे सामने आ जा रहा है।